हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक एम्पलीफायर है जो कि 60 वाट का है। तो इस 60 वाट के एम्पलीफायर में हम आपको ड्राइवर वोल्ट कैसे सेट करते हैं, जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर की बेस पे वोल्टेज आते हैं वो कितने होने चाहिए, अगर वो वोल्टेज सही होंगे तो आपकी साउंड के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टोटली इस वीडियो में आपको ड्राइवर वोल्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इस एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हैं चार। तो इनके अलावा एक हमारा पांचवा जो ट्रांजिस्टर होता है ये ड्राइवर होता है। तो ये सभी के सभी 3055 हैं, तो ये भी 3055 है। तो कई हमारे एम्पलीफायर ऐसे होते हैं उनमें यहाँ नहीं इसको कसा जाता, एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाई जाती है, उसके ऊपर इसको टाइट किया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलग सा होता है, ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर ही होता है। तो फ्रेंड्स, ड्राइवर वोल्ट के बिना हमारा एम्पलीफायर अच्छे से वर्क नहीं करता है। किसी भी सेक्शन के अंदर ड्राइवर वोल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ड्राइवर वोल्ट के आपकी जो साउंड है वो नहीं आती है। तो ऑफ मोड होता है किसी भी एम्पलीफायर का होता है, जब ड्राइवर वोल्ट इसमें जाते हैं तभी आपका एम्पलीफायर अच्छे से वर्क करता है। तो सबसे पहले इसकी लीड को लगाते हैं सप्लाई में। अब एक बार इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, विद प्रूफ दिखाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि ड्राइवर वोल्ट कैसे सेट किए जाते हैं, कितने होने चाहिए। तो मल्टीमीटर को 600 पे सेट कर दिया है। सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज दिखाते हैं। तो इसके पास 212 वोल्ट आ रही है, लगभग 210 आप मान के चलो। कभी भी आप वोल्टेज सेट करते हैं ड्राइवर की, 210 या 220 के ऊपर ही सेट करें, क्योंकि जब आपके 250 वोल्ट होते हैं एसी के, तो लगभग हमारी जो ड्राइवर वोल्ट है वो होती है तो 1.50 वोल्ट के करीब होती है। जब हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो 1.70 के करीब हो जाती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो अब आपको डीसी वोल्टेज दिखाते हैं। ये हमारे डीसी वोल्ट, ये लीड है ब्लैक, इसको ग्राउंड से टच करेंगे क्योंकि यहाँ ग्राउंड होती है इसकी बॉडी। तो अब डीसी देखिए, डीसी हमारे पास 16 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ से एक फ्यूज लगा है, यहाँ पर आ जाते हैं इस नीली वायर के द्वारा, ब्लू वायर के द्वारा ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं, जो है डीसी बोर्ड। ये डीसी बोर्ड है, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स ऑडियो के लिए यूज़ किए हैं। ये इसका ड्राइवर बोर्ड है, टोटल इतना साइज का ड्राइवर बोर्ड है। ये इसका बीटी बोर्ड है, यहाँ पर, यहाँ पर इसका माइक सेक्शन है। तो ये वोल्टेज हमारे आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वोल्टेज देखिए कितने हैं, 16 वोल्ट हैं। 16 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं, 5 ओम 3 वाट की रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर ये इस टर्मिनल पर आ जाते हैं वोल्टेज, देखिए यहाँ पर 13, यानी कि 3 वोल्टेज यहाँ कम हो जाते हैं। 13 वोल्ट इस रेड वायर के द्वारा यहाँ पर आ जाते हैं, ये टर्मिनल पे, ये ड्राइवर बोर्ड पे आ जाते हैं ये वोल्टेज। तो ये डीसी वोल्टेज होते हैं। यहाँ से एक प्रिंट ऐसे गया है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे आते हैं, यहाँ पर इनपुट पिन पे। जब यहाँ से वोल्टेज आउट हो जाते हैं तब ये कितने रहते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 10 वोल्ट लगभग रह जाते हैं। तो 10 वोल्ट यहाँ पर रह जाते हैं, 10 वोल्ट ही हमारे इस फ्री सेट पे आते हैं। टोटल कार्य इस फ्री सेट का होता है। इसके तीन टर्मिनल हैं फ्री सेट के, एक दूसरा ऊपर, तीसरा इसका नीचे। तो फ्रेंड्स, पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ा गया है। इसको वोल्टेज दी जाती है डीसी सप्लाई की, जो 10 वोल्ट है। तो ये इनपुट पिन हो गई, ये इसकी आउटपुट होती है। ये आउटपुट पिन ही ड्राइवर वोल्ट के पास जाती है। ये देखिए यहाँ भी हमारे वोल्ट वही सेम 1.61, और यहाँ भी हमारे 1.61। तो अगर इस फ्री सेट की बात करें, ये 4.7 के का होता है। यहाँ आप 5 के का भी यूज़ कर सकते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे भी आप यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको इसके वोल्टेज सेट करके दिखाते हैं। तो जितने भी वोल्टेज हैं ये आउटपुट पिन पे हम देखेंगे, इनपुट पे हम नहीं देखेंगे, आउटपुट पे। अब देखिए ये वोल्टेज है, अगर इसको घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे तो ये वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो अगर वोल्टेज कम हो गई, इससे ये साफ पता चलता है हमारा फ्री सेट ओके है। अगर यहाँ वोल्टेज कम ना होते तो हमारा फ्री सेट ख़राब है। तो अब ये फ्री सेट ठीक है, तभी हमारे वोल्टेज जो है कम हुए हैं। तो कभी भी आपका ये फ्री सेट लगभग शॉर्ट कम होता है, ओपन ज़्यादा होता है, क्योंकि ढीला हो जाता है, इससे वहाँ पर वोल्टेज सही नहीं जाते ड्राइवर की बेस पे, इसी कारण हमारी जो आवाज़ है वो फटी फटी आती है। तो अब इस वोल्टेज को बढ़ा के आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं, बढ़ने के बाद ये देखिए वोल्टेज बढ़ के अब ये 3.3 वोल्ट के करीब ये हो गए हैं। तो
तो अब हमारे एम्पलीफायर में से कुछ आवाज आ रही है सीटी के जैसी, यानी कि यहाँ से वोल्टेज बढ़ने के बाद जैसे ही हमारे यहाँ वोल्टेज बढ़ गए हैं तो हमारी इनपुट पिन है इस पे कितने हैं, इसके जो 10 वोल्ट थे वो ड्रॉप हो गए, यानी कि कम हो गए हैं। अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाए तो ये वोल्टेज कम हो गए हैं। तो ये हमारा ड्राइवर है, इसकी बेस पे जो वोल्टेज होते हैं, ये देखिए इसकी बेस के जो वोल्टेज हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन जो इसका एमीटर है इस पे कितने वोल्टेज हैं, 2.28, और जो इसका कलेक्टर है कलेक्टर पे कितने वोल्टेज हैं, कलेक्टर पे हैं इसके वोल्टेज तो ये देखिए 2.51, यानी कि 2.5 वोल्ट के करीब इसके कलेक्टर पे वोल्टेज हैं। तो अगर ये वोल्टेज बढ़ते हैं तो इससे ड्राइवर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ड्राइवर ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक ही इन वोल्टेज से ऑफ हो जाता है। अगर ऑफ हो जाएगा तो आपकी साउंड को बंद कर देगा। एक बार आपको आप इसकी साउंड दिखाते हैं। अब इसको हम ऐसे करते हैं और यहाँ से आप वोल्टेज कम करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये आवाज़ को ऑफ कर देगा। जैसे ही हम इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इस साइड से इसके ड्राइवर के वोल्टेज कम होते चले जाते हैं और यहाँ से हमारी जो ये हमारी साउंड आ जाती है। तो अब आपको इसके वोल्टेज कम करके दिखाते हैं। तो ये देखिए इनपुट पे रखेंगे, इनपुट पे ये इसकी है कितने वोल्टेज हैं, इनपुट पे 3 वोल्टेज हैं। अब इसको आउटपुट पे करेंगे, आउटपुट से ही वोल्टेज सेट होते हैं इसके। तो फ्रेंड्स 2.92 वोल्टेज हैं, अब ये घटने लग गए हैं। अब ये देखिए, अब जैसे ही वोल्टेज सही होते हैं तो हमारी आवाज़ है वो सही हो जाती है। अगर इसको हम कम करेंगे, अब ये भी आपको बता देते हैं, अगर ये वोल्टेज हमारे कम हो जाते हैं, यानी कि ड्राइवर के वोल्ट यहाँ की वोल्टेज यहाँ से जो बेस पे है वो येलो वायर गई है यहीं से, ये देखिए इसी से ये येलो वायर है हमारी, ये बेस पे गई है। तो ये देखिए जो ड्राइवर के जो वोल्ट हैं वो कितने हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 0.92। तो ये वोल्टेज हैं, अगर इस वोल्टेज के ऊपर एम्पलीफायर को चलाएं तो फ्रेंड्स देखिए, तो इससे क्या होगा, इन वोल्टेज अगर ये कम हम ड्राइवर को देंगे, जैसे ही हम इसकी साउंड को ज़्यादा खोलेंगे तो इस ड्राइवर के वोल्ट जो 1 वोल्ट के करीब हैं, साउंड ज़्यादा खोलने से जो हमारा स्पीकर है वो बजेगा, इससे वोल्टेज हमारे यहाँ पर और कम हो जाते हैं, यानी कि 0.50 वोल्ट, 0.40 वोल्ट, इस प्रकार से वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कि 1 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएंगे, कम ही रहेंगे। तो इससे जो साउंड है वो फटी फटी आती है, क्वालिटी इसकी बेकार आती है। जब वोल्टेज इसके सेट करते हैं हम, तब इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। तो अगर हम 150 इसके वोल्टेज कर दें तो इसमें क्या होगा, जब हम बास चलती है हमारे स्पीकर में तो वोल्टेज घट के कभी 120, कभी 130, कभी 150, कभी 140, इस प्रकार से वोल्टेज जंप करती रहती है। तो ड्राइवर प्रॉपर काम करता रहता है, उसको कोई लॉसेज नहीं होता। अगर ये वोल्टेज 1 वोल्ट पे सेट करें तो ये ड्राइवर के वोल्ट घटने के बाद बहुत ही कम होते रहते हैं, जिससे आवाज़ बेकार आ जाती है, फटी फटी। अब बताते हैं आवाज़ जो इसकी वोल्टेज है उसको बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम इसकी वोल्टेज 2 पे कर दें तो इससे क्या होगा, कभी वोल्टेज घटेंगे तो साउंड अच्छी आएगी, जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो सिग्नल ऑफ हो जाता है, कभी सिग्नल ऑन होगा इससे भी आवाज़ आपकी फटी फटी आएगी। इसलिए इसके वोल्टेज को 1.50 वोल्ट पे सेट किया जाता है, इतनी ही वोल्टेज पे आपको अच्छी साउंड मिलती है। इन वोल्टेज को हम प्रॉपर सेट करके आपको दिखाते हैं, यानी कि 150 पे करके इसको करते हैं 150 पे। तो 150 के करीब रखें, एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए अब 150 पे नीचे किया तो ऊपर हमारे जो वोल्टेज हैं 0.91 आ गए इसके एमीटर पर। जो कलेक्टर के वोल्टेज हैं वो कितने हैं, 11 वोल्ट के करीब हैं, 11.5 वोल्ट के करीब हैं। तो इस प्रकार से इसकी वोल्टेज को सेट किया जाता है। कभी भी आप ड्राइवर की वोल्ट को सेट करें तो लगभग 1.50 पे सेट करें। तो फ्रेंड्स 150 ही हमारे ड्राइवर वोल्ट होते हैं, कई इनको बेस वोल्ट भी कहते हैं कि ड्राइवर के बेस वोल्ट। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।